रखिए बच्चे के साथ, आधे घंटे बैठिए, चाहे वो 10 मिनट का 10 बजे का टाइम हो, चाहे 9 बजे का टाइम हो। और बच्चों से भी मेरा ये कहना है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ पर डे कम से कम आधा घंटे बैठें, उनसे बात करें, उनसे अपना डेली रूटीन डिस्कस करें। और हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग होता है, आप ज़रूर डिस्कस करें अपने पेरेंट्स से। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि पेशेंसली सुने। आप चाहे कितना भी बिजी हो, आप जब घर में एंटर करते हैं, मेरा खासकर फादर जो अपने फैमिली के साथ है उनसे बात कर रही हूँ, या मदर जो वर्किंग है और अपनी फैमिली के साथ है, एक डायलॉग है कि अगर आप, जैसे मैं जनरली अपने बच्चों के साथ यूज़ करती हूँ डायलॉग, हाउ इज़ द डे टू डे, आज का दिन आपका कैसा रहा। और अगर बच्चा उसका आंसर कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर बच्चा कि आप अपने बच्चों के लिए कितने कंसर्न है, है ना, तो आप सभी के लिए सच में दिल से धन्यवाद भी आने के लिए और क्लैपिंग भी आपके लिए। और दूसरी बात, मैं आज इस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूं कि हम अपने मन को, मस्तिष्क को, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, कैसे शांत भी रख सकते हैं, कैसे सही दिशा में बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें बोलूंगा। हाँ, अगर किसी पेरेंट्स के मन में या बच्चे के मन में ये चीज आ रही है हो कि फालतू के लेक्चर देने वाले हैं, ये है वो है, हम तो जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं क्या हैं, तो आपको बता दें कि हम सभी को, हम टीचर्स को बहुत सारे बच्चों का अनुभव होता है, और आज कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि कौन से बच्चे कि क्या सोचती है और पेरेंट्स कैसे थे तो आज वो इस कंडीशन पे हैं। कई सारे बच्चे अभी ऑफिसर्स बन गए, जॉब मिल गई, अच्छी जगह पे सेटल हैं, तो वो क्यों हैं, उनका अनुभव भी हमारे पास है, तो उनका अनुभव भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और करेंगे, आगे करते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे मानने की कोशिश करिएगा। के पास कोई किताब हो, कुछ भी हो, उसको ऐसे स्ट्रेट हैंड करके रख के देखो, मुश्किल से 15 मिनट बाद आपका हाथ प्लेज करते हो, खाली हाथ, सब प्रतिज्ञा करते हो ना, प्लेज करते हैं, जब भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिज्ञा होती है 3 बार हाथ ऐसा ऐसा होता है ना, थक जाते हैं, है ना। एक फोन जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा हाथ उसको 20 मिनट तक नहीं झेल पाता। फिर आपकी मम्मा ने तो आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा है ना, उसने तो आपका कितना वजन सहा है, तो वो आपसे, उनसे बेहतर आपको कोई समझ पाएगा, उनसे ज्यादा आपकी मदद कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बेटा। एक ट्रस्ट डेवलप करो, हो सकता है आपके